जय माता दी। माता रानी की कृपा आप पर सदा सर्वदा बनी रहे। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और खुशहाल होंगे। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे दशा माता की अगली कहानी। कहानी शुरू करने से पहले एक बार कमेंट बॉक्स में जय दशा माता अवश्य ही लिखिए और साथ ही एक बार प्रेम पूर्वक बोलिए दशा माता की जय। एक समय की बात है, एक राजा था। राजा का एक नाई उसके बाल काटने और हजामत बनाने के लिए आता था। एक दिन जब नाई राजा के बाल काटने आया तो उसने बताया कि राजा जी, पड़ोस के गांव में मैंने पिछले ही कुछ दिनों में एक बहुत सुंदर कन्या को देखा है। फिर नाई कहने लगा कि राजा जी, वह कन्या तो विवाह करने योग्य है, उस कन्या से आप विवाह कर लीजिए। फिर राजा ने नाई से कहा, ठीक है, यदि तुम बोल रहे हो और इतनी ही सुंदर कन्या है तो मैं अवश्य ही उससे विवाह करूंगा। वहीं दूसरी तरफ वह कन्या दशा माता की अटूट भक्त थी। वह दशा माता की नित्य प्रति सेवा करती, कहानी कहती और दिन प्रतिदिन दशा माता में उसकी श्रद्धा बढ़ती जा रही थी। दशा माता ने सोचा कि मेरा नियम करने वाले की शादी कहीं अच्छी घर में होनी चाहिए। फिर दशा माता की कृपा से उस लड़की की शादी राजा से हो गई। राजा ने नाई के कहे अनुसार लड़की का बिना मुख देखे उससे शादी कर ली थी। जब राजा उससे शादी करके महल में लाए तब राजा की एक रानी पहले से ही थी। उस रानी ने सोचा कि इतनी सुंदर दूसरी रानी आ जाएगी तो मेरा रुतबा और आदर कम हो जाएगा। तो फिर बड़ी रानी काले हाथ करके आई और उसने छोटी रानी के मुख पर कालिख लगा दी। राजा ने जब नई रानी का चेहरा देखा तो वह बहुत ही दुखी हुआ और सोचने लगा कि नाई ने हमारे साथ धोखा कर दिया है। ऐसे काले मुंह वाली गिलहरी के जैसी शक्ल वाली लड़की से मेरी शादी करा दी। फिर राजा ने नई रानी को अलग कक्ष में रख दिया और उससे बातचीत भी नहीं करते थे। राजा छोटी रानी की तरफ देखते भी नहीं थे। राजा के ऐसे व्यवहार से छोटी रानी बहुत दुखी हो गई। उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और राजा को कैसे समझाए। फिर कुछ समय के बाद उसने अपने पियर खबर भेजी कि मेरे चार रंग की पोशाक और वैसी ही चौपड़, झूले की रस्सी, सब कुछ चार रंगों की भेजना। फिर जल्दी ही उसकी चारों रंगों की पोशाक, लाल, हरी, केसरिया, गुलाबी, साथ ही चौपड़ व झूले की डोरी सभी आ गए। फिर उसके बाद छोटी रानी ने दासियों से पता करवाया कि आज राजा जी कौन से बाग में घूमने जाएंगे। तब उसको पता चला कि आज राजा गुलाब बाग में घूमने जाएंगे। छोटी रानी ने गुलाबी रंग की पोशाक पहन ली, 16 श्रृंगार किया और अच्छे से जेवर पहन लिए और फिर वह गुलाबी चौपड़ और गुलाबी रस्सी लेकर गुलाब बाग में राजा के आने से पहले ही पहुँच गई। बाग में पहुंचकर उसने गुलाबी चौपड़ बिछा दी और पास में ही झूला डालकर झूलने लग गई। राजा जब बाग में घूमने आया तो उसने देखा और सोचने लगा कि इतनी सुंदर राजकुमारी झूला झूल रही है, यह राजकुमारी कौन है। फिर रानी ने पूछा कि चौपड़ खेले, तब राजा ने हामी भर दी। दोनों ने चौपड़ खेला, बातें की और फिर राजा वहां से महल में चले गए। राजमहल में जाते समय राजा मन ही मन विचार करने लगे कि ऐसी सुंदर कन्या तो अपने महल में होनी चाहिए। राजा के महल में आने से पहले ही छोटी रानी दासियों की मदद से राजमहल में आ जाती है। अब दूसरे दिन रानी ने पता करवाया कि राजा कौन से वाले बाग में जाएंगे। फिर दासियों से रानी को पता चला कि आज राजा हरियाली बाग में जाएंगे। उस दिन छोटी रानी ने हरे रंग की पोशाक पहनी, 16 श्रृंगार किया, हरी चौपड़ और हरी रस्सी लेकर दासियों के साथ हरियाली बाग में आ पहुंची। वहां पर रानी ने चौपड़ बिछाया, झूला लगवाया और झूलने लगी। फिर राजा हरियाली बाग में आया तो उसने फिर से रानी को देखा। वह फिर से रानी से चौपड़ खेलने के लिए पूछता है और रानी उसके साथ चौपड़ खेलती है। फिर बातें करने के बाद राजा फिर से अपने घर चला जाता है। तीसरे दिन रानी ने पता करवाया कि आज राजा कौन से बाग में जाएंगे। रानी को पता चला कि आज राजा लाल बाग में जाएंगे। रानी ने लाल पोशाक पहनी, लाल चौपड़ ली और लाल रस्सी लेकर पहुंच गई। और चौथे दिन फिर से केसरिया पोशाक पहनी, केसरिया चौपड़ ली और केसरिया रस्सी लेकर बाग में पहुंच गई। राजा उस रानी पर बहुत ही मोहित हो गए, परंतु रानी को तो मालूम था तो वो शर्माती नहीं थी। अगली रात को रानी ने चारों पोशाकें, रस्सी, चौपड़ सब कुछ अपने कक्ष के बाहर बरामदे में रख दी
और उंगली के चीरा लगाकर हाय हाय करने लगी। राजा को तो पहले से ही नींद नहीं आ रही थी और वह हाय हाय कर रही थी तो उसे बहुत ही गुस्सा आया और राजा बोलने लगे कि आज इस काले मुंह वाली को तलवार से मार डालूंगा, इसका किस्सा ही खत्म कर देता हूँ। गुस्से में भरा हुआ राजा जैसे ही उसके कक्ष की तरफ चला, उसके कक्ष के बाहर राजा देखते हैं कि चारों रंग की पोशाक, चौपड़ और रस्सी पड़ी है। राजा उन सभी चीजों को वहां पर देखकर सोचने लगा कि ये सब यहां पर कैसे आए हैं। फिर जब राजा कक्ष के भीतर पहुंचे तो उन्हें रानी को देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ। राजा रानी से कहते हैं कि आप यहाँ पर है? तब रानी कहती है हाँ। फिर राजा कहते हैं कि रानी आपने हमें धोखा दिया है। रानी कहती है कि मैंने आपको धोखा नहीं दिया है, आपने मुझे धोखा दिया है। फिर राजा कहते हैं कि तुम्हारे चेहरे पर तो गिलहरी की तरह लकीरें थी, अब वो कहाँ गई? तब रानी कहती है कि वो तो आपकी बड़ी रानी ने ईर्ष्यावश मेरे चेहरे पर कालिख लगा दी थी, परंतु ऐसा कुछ नहीं है। बड़ी रानी को लगा होगा कि मेरे आने से आप उसे कमानेती कर देंगे। छोटी रानी फिर बोलती है कि मेरी तो इष्ट दशा माता है जिन्होंने मेरी लाज रखी है, वरना मुझे तो मरना पड़ता। फिर राजा कहते हैं कि रानी आप पूरी बात पहले ही बता देती तो आपको और हमको इतना दुख नहीं देखना पड़ता। उसके बाद राजा ने रानी से क्षमा मांगी और बड़ी रानी को कामानेती देकर छोटी रानी के साथ सुखपूर्वक रहने लगे। हे दशा माता, जैसा दुख छोटी रानी ने झेला है वैसा दुख किसी को भी नहीं झेलना पड़े, और जैसी कृपा आपने छोटी रानी पर की है वैसी ही कृपा आप हम सब पर करना। जैसी लाज आपने छोटी रानी की रखी है वैसी ही हम सब की रखना। हे दशा माता, इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और होकारा भरने वाले सबकी दशा दिन प्रतिदिन सुधारना। बोलो दशा माता की जय। यदि आपको कथा पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर।